हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चिकन चंगेजी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी बाहर से लाना भूल जाएंगे, घर में ही जब मेरी तरह चिकन चंगेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो ये चिकन ले लिया है, तो इसको हम पहले मैरिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसी के साथ हम मसाले डालेंगे। तो ये मसाले मैंने ले लिए हैं, नमक ले लिया है, काला वाला नमक है, सेंधा नमक और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ले लिए है, और ये मैंने जीरा, भुना हुआ जीरे का पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला ले लिया है और काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। ठीक है, तो इन सभी मसालों को हमने इसमें डाल दिया। तो अब इसमें हम डालेंगे दही। तो लगभग 1 बड़े चम्मच यानी कि 1 कप दही डाल दिया मैंने इसमें, और इन सभी चीज़ों को हम कर देते हैं मिक्स। और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, तो ये आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें। इसकी जगह आप कश्मीरी मिर्च डाल दें, उससे भी कलर बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ मैंने लाल वाली तीखी मिर्च डाली है और ये फूड कलर डाला है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर दें इसे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनता है चिकन चंगेजी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इस तरीके कैसे आप भी ज़रूर से बना के देखें। तो सभी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से देखें मिक्स कर दी हैं, तो अच्छे से मिक्स कर दें। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको ढककर रख देना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा देर रहेगा ये मैरिनेट, उतना ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा चिकन के अंदर। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसको हमने ढककर रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तो जो आप तेल खाते हैं वो वाला डाल सकते हैं। तो 3 बड़े प्याज ले लिए हैं, उन्हें मैंने कट कर लिया है, इसे बड़ा बड़ा कट कर लिया है, उसे डाल दिया है, और 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चला देंगे। तो बस ऐसे चला दें, तो ज़्यादा देर प्याज को पकाना नहीं है, बस 1-2 मिनट प्याज को इस तरह चला देना है। और 3 बड़े टमाटर ले लिए थे, उन्हें भी मैंने बड़ा बड़ा काट कर डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को गलने के लिए हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो नमक ज़रा थोड़ा अपने हिसाब से डालें, क्योंकि हमने गोश्त में भी डाला है और इसमें थोड़ा सा डालें। इसको हम मिक्स कर देंगे, और 5-6 काजू ले लिए हमने, ये इससे डाल दिया है, इन्हीं के साथ डाल दें। तो ये अच्छे से पिस जाते हैं और बहुत ही बढ़िया क्रीमी सा टेस्ट आता है उसका। ढक देते हैं, इसे गलने तक पका लेते हैं। तो ये देखें, ढककर हमने टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं जब तक हमने ढककर इसे पकाया है। तो इसे चला लेते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बस इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो इसी बर्तन में हम अब गोश्त को डाल देते हैं। हमने इसमें ऑयल भी डाला था, वो दिखाना मैं भूल गई थी। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, मैरिनेट करते समय ही ऑयल डाल दें थोड़ा सा, और फिर इस तरह से कढ़ाई में हमने इसे डाल दिया है। इसे अच्छे तरीके से पानी खुशक होने तक, जो दही वही डाला है ना, उसका पानी खुशक होने तक पकाना है इसे हमें। तो कुछ देर हम ढककर पकाएंगे इसे तेज गैस पर। तो इसको ढक देते हैं, और गैस को हमने तेज रखा है, और इस तरीके से फैला देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। अब इसे ढककर हमने कुछ देर पकाना है, देखें इस तरह से पक गया। अब इसे पलट देंगे, तो इसे पलट कर हम पकाएंगे। ठीक है, गैस को हम तेज़ ही रख रहे हैं, अभी हल्का नहीं किया है। इसे कंटिन्यू इसे इस तरह से चला देंगे, ऐसे पलट देंगे। एक तरफ से ये पक चुका है,
इस तरह से चला देते हैं। तो जितना भी दही का पानी है ना खुशक होने तक पकाना है हमें। तो मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियो लाती हूँ खाने की, कढ़ाई की, बुनाई की। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाइएगा, देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन चंगेजी बनता है। ये देखें, इस तरीके का हमने खुशक कर लेना है। ये देख सकते हैं सारा पानी खुशक हो गया है इसका। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह पकाना है हमें। बिल्कुल तेल अलग हो गया, जो हमने थोड़ा सा तेल डाला था वो अलग हो गया है इसमें, और एकदम खुशक हो गया, दही का पानी भी सूख गया है, ठीक है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनती है ये चिकन चंगेजी। देखें तो इस तरीके का हमने चाहिए, ये पूरा खुशक हो गया है बिल्कुल ही। अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, और ये जो ठंडी हो गए हैं टमाटर, प्याज और ये काजू, इनको हम पीस लेते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं बारीक सा। तो बस सभी चीज़ों को हमने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लें। अब वही कढ़ाई ले ली है मैंने, धोई नहीं है ये। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद जो हमने थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। गैस को हल्का कर रखा है, इसको थोड़ा सा चला देंगे तो गैस तेज़ ना रखें, हल्की गैस पर ही करके मसाले को डालें। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, तो तेल में ही हमने डालना है, तभी कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये देखें इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, और ये धनिया का पाउडर है आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम सभी चीज़ों में डाल रहे हैं तो उसी हिसाब से डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अभी से हम एक मिनट के लिए इस तरह से चला देते हैं, जलाना नहीं है मसालों को, बस थोड़ा सा पकाना है तेल में, उससे कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। अभी जो हमने प्यूरी बनाई थी उसकी टमाटर प्याज की, वो डाल देते हैं, थोड़ा सा उसी में मिक्स जार में पानी डालकर धोकर इसमें हम डाल देंगे। तो अभी से हम चला देते हैं। ये देखिए इसी जार में मैंने थोड़ा पानी डालकर इसमें डाल दिया, और अब इसे हम चला देंगे। तो कुछ देर हमने पकाना है इसको, इस तरह से मिक्स कर दें, जो भी मसाले वगैरह डाले हैं हमने वो सभी मिक्स हो जाएंगे ऐसे। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने इसमें, और कसूरी मेथी डाल देते हैं। ये रोस्ट करके मैंने अच्छे से रोस्ट कर ली थी और हाथों से मसल ली थी, तो उसे डाल दिया। अब इसमें हम दही डाल देते हैं, थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें अब दही डाल देते हैं, एक बड़ा चम्मच हम इसमें दही डाल देते हैं, ठीक है। तो पूरे चीज़ों में मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, तो एक जो 250 ग्राम का पैकेट आता है दही का, वो सारा इसमें यूज हो गया है। थोड़ा मैंने डाला था आधा गोश्त में मैरिनेट करने के लिए, आधा मैंने इस ग्रेवी में डाल दिया। तो ये देखें एक दो मिनट मैंने इस तरह ढककर पका लिया है इसे। अब इसमें हम ये जो चिकन रखा था ना वो डाल देते हैं, तो अब इसे मिक्स कर देंगे चिकन डालकर।
तो बारी बारी चीज़ें डलती रहेंगी। आप वीडियो पूरा देखें तभी पता चलेगा कि ये चिकन चंगेजी मैंने कैसे बनाया है। तो बस इस तरह से हल्का सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि इसके बाद हम पानी वानी नहीं डालेंगे कुछ, तो ये पकेगा और कुछ देर, तो ग्रेवी बहुत गाढ़ी है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, ताकि ये पकते पकते अपने उस पर आ जाए। तो बाद में हम पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे, तो अब इसको हम पकने देते हैं। ठीक है, ढककर इसे कुछ देर पकने दिया मैंने। देखें, खोल लेते हैं, तेल देखें अलग हो गया है सारा और ये अच्छे तरीके से पक रहा है। तो जो गोश्त थोड़ा बहुत नहीं गला है ना, वो भी गल जाएगा। तो अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे। तो ये देखें, क्रीम ले ली है मैंने, आधी कटोरी है लगभग, तो ये डाल दी। मलाई है ये दूध की, तो वही मैंने डाली है ये। तो अब इसे ढककर पकाएंगे दूध की मलाई डालकर। ठीक है, तो इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। और कुछ देर ढककर पकाएंगे ये देखें। तो अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची ले लिए मैंने, उनको बीच में से काट कर डाल दिया है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और ज़रूर से कर दें। ये देखिए, मैंने मक्खन डाला है ये बाद में, ये मैंने लगभग 1 बड़े चम्मच मक्खन का डाल दिया है। इससे इसको ज़रूर से डालें, इससे ही तो टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। तो बटर डालकर हम थोड़ा सा और पकाएंगे इसे। ये देखिए थोड़ी देर हो गई, मैंने इसे थोड़ा सा और पका लिया और ग्रेवी देखी गाढ़ी हो गई है। तेल जो था, बटर वगैरह, वो सब ऊपर आ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना। तो इस इतना ही ज़्यादा खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब इसको गैस को हम कर देते हैं बंद। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए, और गैस को हम बंद कर देते हैं। इस तरीके से तो एक कटोरी ले लेंगे हम। अब इसमें हम सेवई की फ्लेवर देंगे, जो कटोरी रखेंगे इस पर, और इस पर कोयला इस तरह से जला कर रख दिया है। अब इसमें आप बटर या घी कुछ भी डाल सकते हैं और इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, मैंने इस पर घी डाल दिया है और इसको ढक देते हैं। तो बस कुछ देर के बाद हम खोल देंगे और ये देखें, चिकन चंगेजी बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, तो अब इसको हम निकाल कर दिखाएंगे और ये देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना है। आप भी इस तरह से बनाएं, ज़रूर से बनाएं, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और बाज़ार जाकर खाना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी अपने चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।